नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक उदारी शब्द का पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में यदि आपने पूरा देखा समझा तो आपकी दुकान बर्बाद होने से रुक सकती है। बर्बाद होने की ऐसी नौबत आपको नहीं आएगी दोस्तों, दुकान बंद करने की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में मैं एक आपको उदारी शब्द बताऊंगा, इससे बहुत अच्छा भी फायदा हो सकता है, बहुत अच्छा भी ग्रोथ हो सकता है और आप लोग इस शब्द से बर्बाद भी हो सकते हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों, यदि आपकी दुकान है या दुकान चालू करने की सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शब्द का पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं भाई साहब, कि कैसे आप लोग इसका फायदा लेंगे, कैसे आप लोग इससे बचेंगे, कैसे आपको अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है ये उदारी शब्द। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है, राजस्थान के छोटे से राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और पिछले कुछ टाइम से आपसे भी साथियों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हेल्प कराऊंगा दोस्तों, आप लोग भी कैसे बिजनेस लाइन में आज के अच्छा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। और बता दूं कि मैं खुद भी एक दुकानदार हूं, आपके जैसे मैं भी खुद व्यापारी हूं, मेरे भी दो दुकानें चल रही हैं और मैं उन दोनों दुकानों को अच्छे से रन कर पा रहा हूं। आज मेरे जो बहुत से साथियों ने मुझे कमेंट किया कि भाई साहब, हम अपनी दुकान पे जो प्रोडक्ट होता है वो सेल कर देते हैं, भाई साहब मेरे पास सेल होता नहीं है तो मैं उधार में दे देता हूँ। आज उनके बारे में बात करेंगे, आज उन्हीं साथियों के बारे में बात करने वाले हैं भाई साहब, कैसे आप लोग जो भी प्रोडक्ट है बिक नहीं रहा है तो आप कैसे उधार में दोगे। आज इस वीडियो में जो चीज़ें बताऊंगा आप जरूर नोट डाउन करना, समझने की कोशिश करना। आपका बिजनेस यदि चल नहीं रहा है या बिजनेस में मंदी आ रही है, बंद होने के कगार पर है, आप इस चीज़ को समझना। हर पॉइंट में आपको अपने बारीक बारीक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, बारीक बारीक भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, जिसे आप समझ जाओगे आराम से। दोस्तों सबसे पहला मेरा पॉइंट है उधार। देखो दोस्तों, उधार एक शब्द ऐसा है कि जो ग्राहक को एक अच्छा लगता है, उसके मन में एक अच्छा सा लड्डू फूटता है कि पैसा कोई प्रोडक्ट उधार में मिल रहा है। आप जैसे और हम जैसे भी जो होते हैं तो कई प्रोडक्ट है जो ऐसे में उधार में मिल रहा हो तो कोई भी कोई उठा देता है। आपको इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा अपनी दुकान पर। सबसे पहला पॉइंट ये बंद कर दो, उधारी शब्द बिल्कुल ही बंद कर दो, अपनी दुकान पर लो ही मत, ठीक है। यानी बिल्कुल अपना क्लोज हो जाएगा तो इससे आपके क्या है कि इससे आपका फायदा होगा, आपकी सेल में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये बहुत से लोग कहेंगे कि हमारा जो उधार के माध्यम से ही हमारे को पैसा मिलता है और वो भी नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा। अब उनका रीजन बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका फायदा और क्या नुकसान है आपको। उधार एक शब्द एक ऐसा है जिससे आपका प्रोडक्ट जितने भी दुकान में माल है वो सब निकल सकता है। यदि आप जो दिन में पूरे दिन में जो आप बोर्ड लगा के बैठ जाओ ना कि पैसा उधार में, तो सारी दुकान खाली हो जाएगी आपकी और सारा माल खत्म हो जाएगा आपको एक दिन में, बता रहा हूं। यदि आपने उधार शब्द में कर दिया तो सारा माल खत्म हो जाएगा एक दिन के अंदर। यदि नहीं हो तो मुझे इस चीज का कहना आप लोग, बहुत से देखा होगा आपने बड़ी बड़ी दुकानें हैं अपने मोबाइल की हो लैपटॉप की हो, बहुत से जो बड़ी बड़ी दुकान में जो या बड़े बड़े मॉल में EMI का ऑफर ऐसे जो बहुत से बड़े दिखते हैं ऑफर, इनमें क्या होता है आपको चीज पता है, फाइनेंस कंपनियां जुड़ी होती हैं इनसे, तो दुकानदार का इसमें कोई नुकसान नहीं हो। जो भी कंपनियां जो जुड़ी होती है तो इनका पैसा उनको दुकानदार को मिल जाता है। जो भी कंपनी है जो फाइनेंस होती है ना, फाइनेंस होने के बाद फाइनेंस वाला और कस्टमर जुड़ा रहता है, बाकी दुकानदार से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, आप अपनी जेब से पैसा लगा रहे हो, जेब का पैसा आप निकाल के ग्राहक को दे रहे हो, ऐसी बात है ये उधार। देखो दोस्तों, अपनी दुकान पर 100-200 जो भी ग्राहक आते हैं उनमें से यदि जो दो को आपने उधार दिया कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। बट अब उनका रीजन बता रहा हूं, यदि जो एक दुकान पर आप दिन में भी ये जो दो को देते हो तो हो सकता है कि वो दोनों बंदे कल 3-4 बंदों को और भी लेकर आए और अपनी दुकान पर ही आपको कहेंगे भाई साहब कि जो मेरे को वो प्रोडक्ट दे दो, और वो भी उधार में लेके जाएंगे। सच बता रहा हूं, एक के साथ में एक जुड़े रहेगा, वो भी उधार में ले जाएगा, ऐसे आपकी दुकान नुकसान में चली जाएगी। आपको लग नहीं रहा है कि पैसा मेरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन नुकसान में ही है। अब वही पैसा आपका 1 साल 2 साल 3 साल एंड हो गया, आपको मिला नहीं तो आप कितने पीछे जाओगे, 5 साल 10 साल पीछे चले जाओगे, सच बता रहा हूं। और यदि आपने ऐसे ही टाइम में आपने दिमाग लगाया होता, यानी जो भी आपने प्रोडक्ट है जो ग्राहक आया मांगा और आपने प्रोडक्ट उसी वक्त उसके हैंड ओवर कर दिया और जो भी वो पैसा दे रहा है भाई साहब आपको होलसेल में ये 300 रुपये में आया तो 300 रुपये ही दे रहा है आपको, तो आपने दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो पैसा है आप नए प्रोडक्ट जो आपने नए माल आने वाला है उसमें आपने लगा दिया तो आपको पैसा डबल मिल सकता है। और यदि आपने उधार में दे दिया उसके हाथ से अपने हाथ में निकल गया तो वो हो सकता है कि भाई आप 10 दिन 15 दिन 1 साल आपको कभी भी मिलेगा, वो मुश्किल से उसके मन में जो ये नहीं होगा कि भाई साहब मैं पैसा दे दूँ। और बहुत से ग्राहक मैंने देखे हैं कभी नहीं होगा, देंगे ही नहीं। आप जो 10 बार बोलोगे 30 बार बोलोगे तब वो कहीं ना कहीं उसकी जेब से जो वापस पैसा निकलेगा। तो इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि दोस्तों आप कभी भी अपनी दुकान लाइन में आए हो, दुकान में आपको यदि सेल को बढ़ाना है और दुकान में अच्छी ग्राहकी करनी है तो आप इस चीज़ को बंद कर दो। भले आपको मार्जिन कम मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको तुरंत ही हैंड ओवर कर दो, उसको दे दो। ये सबसे बड़ा पॉइंट है मेरा, इस चीज़ को आप बंद करने की कोशिश करना।
अब दूसरे जो लोग कहें कि मैंने जो अपने पर्सनल बता रहा हूँ दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज़ें एकदम रियलिटी है। मैं दुकान पर खुद बैठता हूँ तो मेरे जो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ था, सच बता रहा हूँ, वो दुकान बंद करने के कगार पे आ गया था। ऐसी ये जो मेरी सिचुएशन आ गई थी, इन चीज़ों को समझना आप लोग, क्योंकि रियलिटी है और सच है। नए नए होते हैं, हमारे को इस चीज़ का फील्ड का आइडिया नहीं होता है, दुकान को कैसे रन करना है, कैसे क्या करना है, ये हमारे को कुछ नॉलेज नहीं है। बहुत से लोग आते हैं और यार कल दे देंगे ना, हम परसों हैं, हम यहीं के तो है, ऐसे करके बहुत से लोग ले गए मेरे से, सच बता रहा हूँ, और बहुत से नुकसान में गया मैं। जब मैंने जो अपनी दुकान पर ये बंद कर दी, बिल्कुल ही क्लोज कर दिया भाई साहब, के जो भले आपका माल है ये मेरे पास, जो भी माल पड़ा मेरे दुकान में पड़ा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है भाई। आप जो अभी लेके आते हो और हैंड ओवर तुरंत के तुरंत करते हो तो मैं भले 50 रुपये मार्जिन मिल रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ। पर ये चीज़ तो है भाई साहब, आप कैश हैंड ओवर मिल गया, तुरंत ही पैसा आपको मिल गया, केस मिली, रोकड़ा मिला, तो इससे आप कोई नुकसान में नहीं हो। यानी जो पैसा आज आपने जेब में आ गया, आपका पैसा जो आपकी जेब में है, कल आप नए प्रोडक्ट खरीदने पे ध्यान दे सकते हो, नए प्रोडक्ट खरीद सकते हो। और यदि आपने उधारी पे ध्यान दे दिया तो आपका धंधा बंद होने के कगार पर आ जाएगा, चौपट हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से मार्केट में आपने दुकानें देखी होगी, 6 महीने चलती है, 2 साल चलती है, बंद हो जाती है। इनका रीजन यही होता है कि वो मार्केट को एक समझ नहीं पाते हैं, अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जो भी ग्राहक आते हैं उनके जो मन की भावना है वो नहीं समझ पाते हैं, इसके लिए वो नुकसान में चले जाते हैं। तो ऐसे ग्राहकों को कभी भी उधार देने से बचो। ऐसे ग्राहकों को पहली बात तो बात ही मत करो, उधार की तो बात ही मत करो। यदि आपके पास में जेब में पैसा है तो आप बात करो, सीधी बात आप मुंह पे कर दो कि भाई साहब मैं माल नहीं दे पाऊंगा, भाई साहब हमारे पास जो भी माल है मेरे पास दुकान में पड़ा है, कोई तकलीफ नहीं मेरे को, कहीं और से आप ले लो। भले एक ग्राहक टूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, लेकिन वो 10 ग्राहक तो नहीं लेके आएगा उधार वाले। यदि 10 ग्राहक भी लेके आया तो वो कल जो 15 ग्राहक लेके आएगा, 15 से दुकान आपकी कितनी नुकसान में जाएगी आप सोच नहीं सकते हो। इसीलिए सजेस्ट करूँ दोस्तों कि उधारी आप बिल्कुल बंद कर दो, और इससे बहुत अच्छा भी फायदा हो सकता है। यदि आप कोई माल होलसेल से लेके आ रहे हो, होलसेल आपको मैं सच बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझना, यदि आप माल होलसेल से लेके आ रहे हो और वहीं से आपने जो फाइनेंस का अटैचमेंट कर दिया और अपने पे नाम पे कर दिया, जो भी आपने माल 2 लाख 3 लाख जो भी माल आपने उठाया और वही आपने फाइनेंस पे कर दिया, तो आपको अपना फायदा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ से आपने माल एक साथ उठाया है, जो भी आपकी किस्त है, हो सकता है कि वो 5,000 हो, 10,000 जो भी हो, वो 1 महीने में भर दोगे आप, लेकिन इससे आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो इसीलिए उधारी शब्द आप हमेशा ध्यान में रखना कि भाई साहब आप अपनी ये जो जिम्मेदारी पे उधार करोगे, उधारी लोगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और यदि आप ऐसे ग्राहक को दे दोगे जो ऐसे मतलब भी नहीं है और वो आपको कभी प्रॉफिट दे ही नहीं सकता, ऐसे ग्राहक को कभी उधार मत दो, और कम से कम कोशिश करो कि उधारी देने से बचो। क्योंकि मैंने अपने देखा है, अपने मार्केट में खुद की बता रहा हूँ, मैंने जिन लोगों को उधार दिया शुरुआत में, वो लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो लोग मुझे अभी भी मिलते हैं तो बस यही कहते हैं कि हम दे देंगे, लेकिन 6 महीने बाद वो आपको बोलेंगे भाई साहब कौन से पैसे, सच बता रहा हूँ, यही चीज़ बोलते हैं, और आपके साथ में भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान में रखना और कोशिश करना उधार से बचने की। एक और दोस्तों पॉइंट बता देता हूँ आपको कि भाई साहब बहुत से लोगों को आप उधार दे तो देते हो, लेकिन वो मार्केट में भले आपको मिल रहा हो या ना भी मिले, तो वो आपकी दुकान से बच के जाएगा, क्योंकि आप उसको पता है कि भाई साहब ये दुकानदार मेरे को पैसा मांगेगा, तो वो उस भले उसको माल आपसे दुकान से ही चाहिए था, वही माल आपको दुकान पे चाहिए था या और भी कोई प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन वो दुकान के आपके नहीं आएगा, आपके दुकान पे आएगा ही नहीं, क्योंकि वो दुकान आपकी मार्केट से कट गया, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब उसके पास में मेरा उधार बाकी है, वो जाएगा ही नहीं, किसी और दुकान से ले जाएगा, वो भले उसके पास में कैश हो लेकिन दूसरी दुकान से ले जाएगा। तो इसीलिए मैं दोस्त कह रहा हूँ कि भाई साहब आप उधारी से बंद करो, भले आपको कम मार्जिन मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेल कर दो, जो भी आपको माल मिला है, जो भी पैसा मिला है माल का, वो हो सकता है कि आपको जो नए माल में लगा दो और पैसा आप डबल कर दो। पर ऐसे चीज़ों से बचने की कोशिश करना, यदि आप इन चीज़ों को बच गए तो आपकी दुकान बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। दोस्तों आई होप कि दोस्तों मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि दोस्तों ये कैसा वीडियो लगा।